शोएब शाहीन साहब का पूछू था। शोएब शाहीन साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हुए पूछते हैं कि क्या खान साहब के ये तय हो गया है कि वो पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकते, क्या कोई कन्विक्शन है या कोई मैसेज पहुंचा है कि पार्टी चेयरमैनशिप के लिए कोई और नाम आया है? ऐसा कोई नहीं है। तोशाखाना केस में कन्विक्शन हुई थी, जब इन्होंने ऑर्डर वो सस्पेंड किया था, वो सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड की थी, वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं किया था, जिसके खातिर हमने एप्लीकेशन दी और पिछले हफ्ते वो लगी थी और आज कल सुबह के लिए वो नोटिस हो गया था, फिक्स थी। अब हमारा प्लान ये था कि अगर ऑर्डर सस्पेंड हो गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक लिहाज से पार्शल फैसला किया है, बाकी किसी भी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन को खत्म नहीं किया और हमें टाइम इतना शॉर्ट दिया, और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब जेल में है, तो अब हमने जो कोर्ट में मैटर था, हमने ये प्लान ए ये था, अगर ऑर्डर सस्पेंड हो गया तो फिर हम जाहिर इमरान खान साहब ही चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे, और अगर फर्ज करो ऐसा न हुआ और अदालतों ने और इलेक्शन कमीशन ने और मुख्तदर तबकों और हल्कों ने हमारे साथ ये साजिश का सिलसिला जारी रखा, तो फिर हम अपने बल्ले के निशान को बचाने के लिए स्टाफ कैप अरेंजमेंट के तौर पर हमने वो गौर साहब को दे दिया। तो अब वो इलेक्शन जो होगा वो स्टॉप कैप अरेंजमेंट के लिए है, लेकिन एक्चुअल चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब हैं, उन्हीं के फैसले चलेंगे और उन्होंने ही सारे फैसले करने हैं।